है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका प्रश्न है कि धूम्र कोहरा संबंधित है। धूम्र कोहरा किससे संबंधित है? धूम्र कोहरा वायु प्रदूषण से संबंधित है। कोहरा कुहासा के जो है अंतर्गत आप समझ सकते हैं। तो कोहरा तो आप जानते हैं, जिसे कुहासा कहते हैं, ये वायु प्रदूषण का कारक है। अगर आप देखें तो नगर जो क्षेत्र होता है वहां कोहरा कोहरा जो है, जिसे हम लोग क्या कह देते हैं, धूम्र कोहरा कहा जाता है, जो वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण होता है। तो ये किस कारण होता है? वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण होता है। और वायुमंडलीय प्रदूषण किससे संबंधित है? वायु प्रदूषण से संबंधित है। अब देखिए, ये चूंकि आपको पता है वायु प्रदूषित प्रदूषित वायु वायु है, तो किसी लिए बेहतर तो होगा नहीं। तो यह मानव के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होता है, यानी हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ही खराब है। अब वायु प्रदूषण जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो इसके चलते अम्ल वर्षा भी होता है। आप याद रखिएगा, वायु प्रदूषण के कारण ही अम्ल वर्षा होता है। नगरीय पर्यावरण का वर्षा जल जो है बढ़ जाता है, तो पीएच मान, वर्षा का पीएच मान क्या हो जाता है? कम। पीएच मान जितना कम होगा, आप पता है कि बीच में 7 होता है, 7 से कम पीएच मान होगा तो अम्ल हो जाएगा, और 7 से अधिक होगा तो क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए पीएच मान जितना कम होगा, अम्लीय वर्षा उतना अधिक होगा।